हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निश्रिया इंजाइका में। आज निश्रिया इंजाइका में हम बना रहे हैं जन्माष्टमी पे बनाए जाने वाले 6 तरह के प्रसाद। जन्माष्टमी पे खास तौर पर ड्राई फ्रूट्स बहुत यूज होते हैं, चाहे पाक बनाएं या पंजीरी। अगर आप इसका कारण नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुने। जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है और उनके जन्म के बाद उनकी माँ देवकी की फास्ट रिकवरी हो, इसलिए इस दिन जो प्रसाद बनता है उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। तो आज हम अलग अलग तरह के जन्माष्टमी पे बनाए जाने वाले प्रसाद की रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे पंजीरी की रेसिपी जो खास जन्माष्टमी पे बनाई जाती है। तो सबसे पहले लेंगे एक पैन में 2 टेबलस्पून घी, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून खाने वाली गोंद। गोंद छोटे पीसेस में हो, नहीं तो उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके घी में डालें और इन्हें अच्छी तरह से फूलने दें। जब गोंद फूल जाएगी तो पैन से इसे निकाल लें और फिर पैन में डालें 1/2 कप बादाम। 2 मिनट तक बादाम डाल करके भून लें और फिर इसे भी पैन से निकाल लें। फिर पैन में डालें 1 कप फूल मखाने और इन्हें भी भून लें। थोड़ी देर बाद में एक मखाना हाथ से फोड़ करके देखें, अगर मखाना फूट जाता है तो मखाने सिक गए हैं, इन्हें पैन से निकाल लें। और फिर पैन में डालें 3 टेबलस्पून घी और इसमें डालें 1/2 कप धनिया पाउडर। इसे मीडियम लो फ्लेम पर भुनेंगे। जब ये भुन जाएगा और हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा और इसमें खुशबू भी आने लगेगी, तब इसमें डालेंगे 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट और 1 मिनट डेसिकेटेड कोकोनट डाल करके इसे भुने, फिर गैस बंद कर दें। और अब जो ड्राई फ्रूट्स आपने फ्राई किए हैं उन्हें दरदरा कोट लें और फिर धनिया मिक्सचर में 1/2 कप पिसी हुई चीनी या बूरा डालें और दरदरे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डालें, इन्हें मिक्स कर लें। तो जन्माष्टमी पे बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए धनिया की पंजीरी तैयार है। नेक्स्ट प्रसाद की रेसिपी हम बनाएंगे व्हाइट मेवे पाक। पैन में 2 टेबलस्पून घी गरम करें, इसमें 1/2 कप काजू डालें। 2 मिनट काजू रोस्ट करके पैन से निकाल लें। फिर पैन में डालेंगे 1 कप फूल मखाने, इन्हें भी चलाते हुए रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर 2-3 मिनट बाद में एक मखाना हाथ से फोड़ करके देखें, अगर आसानी से मखाना फूट जाता है तो मखाने सिक गए हैं, इन्हें पैन से निकाल लेंगे। फिर पैन में 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल करके चलाते हुए 2 मिनट इसे भुने और फिर पैन से निकाल लें। फिर पैन में 1/3 कप डालेंगे मगज के बीज, इन्हें भी 2 मिनट रोस्ट करेंगे और पैन से निकाल लेंगे। अब इन सभी को ग्राइंड कर लें। फिर पैन में 1 कप चीनी लें और इसमें 1/2 कप पानी डालें, चलाते हुए चाशनी तैयार करें। चीनी मेल्ट हो जाए तब इसमें 1/2 चम्मच व्हाइट पेपर डालें। 2 मिनट बाद में कंसिस्टेंसी को चेक करें तो इस तरह की एक तार बनना चाहिए। इसमें फिर ग्राउंड मिक्सचर डालें, इसको मिला लेंगे, कंटेनर में निकालें, ऊपर से स्मूथ कर लें, थोड़े से पिस्ता से गार्निश करें और जब मिक्सचर सेट हो जाए तब इसके पीसेस कट कर लें। तो व्हाइट मेवे पाक तैयार है। चलिए नेक्स्ट बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए मेवे पाक। एक पैन में 2 टेबलस्पून घी गरम करें और इसमें 2 चम्मच खाने वाली गोंद डालें। गोंद को घी में फुला लेना है। फिर पैन से गोंद को निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप बादाम। बादाम भी 2 मिनट घी में भून लेंगे और फिर बादाम को भी पैन से निकाल लेंगे। फिर पैन में डालेंगे 1/2 कप काजू, इन्हें भी 2 मिनट भून लेंगे और फिर पैन से निकाल लेंगे। फिर पैन में 1 कप मखाने डालेंगे और इन्हें भी भून लेंगे। जब मखाने भुन जाएंगे तो पैन से निकाल लेंगे और फिर पैन में डालेंगे 1/3 कप मगज के बीज, इन्हें भी 2 मिनट भुनेंगे और पैन से फिर निकाल लेंगे। फिर पैन में 1 कप चीनी डालें और 1/2 कप पानी डालें और एक तार की चाशनी बना लें। तो चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। इस तरह का एक तार बनना चाहिए। चाशनी तैयार है। इसमें 1/2 चम्मच डालें इलायची पाउडर और 1/2 चम्मच व्हाइट पेपर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें डालने हैं ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स को पहले थोड़ा सा दरदरा क्रश कर लेंगे और फिर चाशनी में मगज के बीज और बाकी दरदरे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल करके मिक्स कर लेंगे। साथ ही 2 चम्मच पॉपी सीड्स भी इसमें मिला लें। अब यहाँ पर हमें इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर एक प्लेट में निकाल करके देखें। जब ये ठंडा हो जाए तो चेक करके देखें तो ये जमने वाली कंसिस्टेंसी का होना चाहिए।
अगर मिक्सचर थोड़ा लूज लगे तो उसको थोड़ी देर गैस पर और रखेंगे और पका लेंगे। तो मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है और जमने वाली कंसिस्टेंसी का भी हो गया है, तो इसलिए अब एक कंटेनर में पार्चमेंट पेपर लगाएंगे और मिक्सचर डाल करके फैला लेंगे, ऊपर से स्मूथ कर लेंगे। फिर ऊपर से चाहें तो थोड़े से पिस्ता डाल करके गार्निश कर लें और जब मिक्सचर सेट हो जाए तब इसके पीसेस कट कर लें। तो तैयार है मेवे पाक। नेक्स्ट हम बनाएंगे माखन मिश्री, जिसका भोग लगाएंगे पालको। तो एक बोल में लें बटर या घर का बना हुआ मक्खन, आप चाहें तो इसमें व्हिप्ड बटर भी ले सकते हैं लेकिन अनसॉल्टेड। तो हमने बटर ले लिया है अनसॉल्टेड, इसमें डालेंगे मिश्री। मिश्री अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा जितना आप डालना चाहें मिश्री डालें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और फिर नन्हे बाल गोपाल को जन्माष्टमी पे भोग लगाएं। नेक्स्ट बनाते हैं फलाहारी लड्डू, जिसके लिए हम ले रहे हैं 1 कप एलोवेरा जूस। घर का बना हुआ जूस लेंगे तो एक एलोवेरा का पल्प निकालें, ग्राइंड करें और जूस तैयार कर लें। फिर लेंगे 3 कप फलाहारी आटा, जैसे राजगिरी का आटा या सिंघाड़े का आटा। इसमें 1/4 कप घी डालें, अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर एलोवेरा जूस डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए आटा लगा लें। फिर इस आटे में से इस तरह की छोटी छोटी सी मच्छी बना लें और एक प्री हीटेड कढ़ाई में एक रिंग रखें। यहाँ पर हमने कढ़ाई को ढक करके 10 मिनट तक अच्छे से गर्म किया है। फिर कढ़ाई में एक रिंग रखेंगे और इन मच्छियों को प्लेट पर रख करके इस प्लेट को कढ़ाई में रखेंगे, ढक देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें सिकने देंगे। 15-15 मिनट में मच्छियों को पलट लें और दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिकने दें। फिर जब मछलियां सिक जाएंगी तब इन्हें निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। और फिर इसको एक कढ़ाई में डाल करके 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप घी डाल करके मिक्स कर लें और फिर एक मिक्सिंग बोल में निकालें और इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालें, 1/2 कप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालें क्रश करके और फिर इसमें 1 कप गुड़ या पिसी हुई चीनी ग्राइंड करके मिला लें और इसके छोटे छोटे से लड्डू बना करके तैयार कर लें। तो फलाहारी बहुत ही टेस्टी लड्डू बन करके तैयार हैं। नेक्स्ट है हम लेंगे 100 ग्राम मूंगफली एक पैन में, इन्हें रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली रोस्ट हो जाती है तो उनका छिलका उतार करके चेक करके देख लें, अगर छिलका आसानी से उतर रहा है इसका मतलब मूंगफली रोस्ट हो गई है। तो मूंगफली रोस्ट हो गई है, अब इनका छिलका उतार लेंगे और इन्हें ग्राइंड करके पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। फिर लेंगे 150 ग्राम डेट्स, इन्हें भी ग्राइंड कर लें। फिर एक पैन में 1 चम्मच घी डालें, इसमें डेट्स डालें और 2 मिनट भून लें। फिर इसमें मूंगफली पाउडर डालें, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालें, 1/4 चम्मच जायफल पाउडर डालें, अच्छे से मिक्स करें और फिर कंटेनर में जमा लें। ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और जब ये सेट हो जाए तब पीसेस कट कर लें।
तो मूंगफली डेट स्पार्क भी बनकर के तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।